ब्लॉग ने एक अलग मोड ले लिया है। धारा 144 में भी हम लोग अभी यहाँ पे हैं। ये ब्लॉग बहुत अनोखा है। टाइम अभी देखो क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी दोपहर के 1:30 बज रहे हैं, ठीक है। और हम लोग हैं ऑफिस में, और इधर अभी स्टूडेंट लोग क्लास चल भी रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे बोल रहे हैं। हाँ जी, तो प्लान ये हो रहा है कि बैठे बैठे क्या करोगे, करना है कुछ शुरू करोगे लेके कैमूर का नाम। तो ये हुआ प्लान भाई कि ऋषभ बोल रहा है कि मन नहीं लग रहा है ऑफिस में, और आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी कम है, सब कोई वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। तो हमने सोचा कि क्यों ना वीकेंड को एंजॉय किया जाए। तो अभी पता नहीं, बोल तो दिया है, हम तो ऑल टाइम रेडी रहते हैं कि यहीं से हम लोग एक ट्रिप निकल रहे हैं प्लान सीधे कैमूर के लिए। कुछ सामान नहीं लेंगे, जो है ऑफिस में अभी लेके आए वही लेके चल देंगे। हम लोग कैमूर बाइक या कार से नहीं जाएंगे, हम लोग कैमूर जाएंगे शू पाउडर से, और आप लोग शू पाउडर का लुक जरूर उठाएंगे। क्या होता है भाई शू पाउडर? मेरे पास एक खास तरह का पाउडर भी बनता है जिसे हम लोग हाथ में लेते हैं, और एक मंत्र के साथ आपको उसे खुद पर पटकते हैं तो हम लोग जगह में पहुंच जाते हैं। शू पाउडर जो यहाँ कुंदन भैया बोल रहे हैं कि ऋषभ का प्लान कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, ऋषभ हमेशा धोखा। तो क्या लगता है आपको, हम लोग ट्रिप पे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? नहीं जा पाएगा। एक लड़का, तुमको क्या लगता है जी? ये तो है। फोन और एडिटिंग एक साथ कैसे कर लेता आदमी, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है। खैर मैंने भी अपना ब्लॉग एडिट कर लिया है भाई, ब्लॉग को डाल दिया है आप लोगों के लिए, जाइए और थोड़ा ब्लॉग भी देखिए। तब तक तो एक्चुअली ये ब्लॉग कब एडिट होगा पता नहीं, बट अगर ये ब्लॉग नहीं देखा है, हमने एक हॉस्टल ले लिया है, बाकी यही है एडिट कर लिया। अगर बोलेगा चलना है भाई तो सिस्टम ऑफ करेंगे और चल जाएंगे, नहीं बोलेगा तो फिर बैठेंगे दूसरा व्लॉग इसी का पार्ट एडिट करेंगे। 5 बज गया तो हम लोग निकलने के लिए, हम लोग जा रहे हैं अभी, आसिफ भैया है, पीयूष भैया है, ऋषभ है, मैं हूँ, और शायद एक और आदमी ज्वाइन करेगा, अभी श्योर नहीं है उसके बारे में। तो ठीक है चलिए चला। मैं नहीं जानता हूँ, तुमको क्या लगता है जी? नीरज अभी भी नहीं बोलेगा क्या? नहीं, सब पे जा रहा है, हमको बोला है कि तुम रहो नीरज चाबी लेकर, मैं और वो भैया जा रहा हूं, सब पे जा रहा है हमको। कभी भी प्लान ही होते कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ रहे हैं ना आधे घंटे में? चलो ठीक है, तो प्लान ये है कि भाई आधे घंटे में तो आए घर से और निकलते हैं, देखते हैं हम तो जा रहे घर, सुबह नहीं तो फिर कल भी नहीं जाते कल, तो फिर मंडे में लेके चलो देखा जाए भाई क्या सीन है, पता नहीं। एक मेजर अपडेट है, हम घर तो आ गए थे, बाइक भी लगा दी थी, मगर मेरे मम्मी पापा है ही नहीं, साइड पे गए, जहाँ काम लगा है ना, आपको पहले दिखाया है ब्लॉग में, जहाँ पे हमारा एक और प्रॉपर्टी बन रहा है, तो वहीं है, वहीं गए। तो अब फिर से इसको निकालो, फिर से जाएंगे अब ऑफिस, और फिर से क्या होता है भाई, कैसे अनप्लान ट्रिप सब होता है देख रहे हो ना। चलो कोई नहीं, चलते हैं वापस से आसिफ भैया के घर पे, वहाँ से डायरेक्ट निकल जाएंगे। और ये है हमारा जो हमारे ट्रिप में आज साथ रहेगा, और हम लोग का प्लान ऐसा हुआ भाई, देखो मेरे को भी कपड़ा नहीं मिला, इसको भी कपड़ा नहीं मिला, सब अपने अपना, सिर्फ एक आसिफ भैया को मिला है जो अपने घर जा पाए, तो अपना ट्रिप का पूरा प्लान अप कर चुके, प्लान अप नहीं। कहाँ गया वो, क्या कर रहा है? किसी का कट गया है तो बहुत टेंशन में, आ रही है कि नहीं आ रही है। दीदी लोग आने वाली थी इसकी एक्चुअली में, तो ये कंफर्म नहीं बताया, ठीक है। अब देखो जब हम लोग जा रहे हैं, आया था पावर बैंक देने, अब इसको गिल्टी फील हो रहा है। अब देखो इसका शेयर, मेरा कट गया है। तो भाई हम लोग घर से तो निकल गए, और एक भैया को निकाल दिया क्या? ब्लूटूथ है? हाँ है ब्लूटूथ, ये तो दिख रहा है यहाँ पे। तो जा रहे हैं पीयूष भैया उठाने ऑफिस पे, और तो उठाते हैं फाइनली, अब लगता है कि ट्रिप हो जाएगा। एक घंटे पहले तक था कि प्लान, पता नहीं कौन मूड चेंज कर देगा अपना, तो पता नहीं कैंसिल भी हो जाता है ऐसा ऐसा जो हम लोग अपनी फोटो, बट अब ऑन है तो अब तो निकल गया, तो जाना ही। चलो चला जाए।
है गाड़ी में हमारे पीयूष भैया है, बोल दीजिए मेरे बॉब में वापस से क्या क्या देख रहे थे भाई बताओ बताओ कैमरा उठते ही लोग अपने नजरिया को चेंज करते हुए चलो कार के सामने साठ चालीस और हम लोग अभी रुके हैं क्योंकि एक भैया का स्टेफनी मतलब पंचर है तो ये हम लोग डलवा ले रहे हैं ताकि अगर अभी चारों टायर तो ठीक है बट स्टेफनी को बनवा ले रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इशू हो सकता है पहाड़ों पे वहाँ नेटवर्क भी नहीं रहता है कैमूर में आपको पता ही है पहले लास्ट टाइम जब तैलारकुंड गए थे तो वहाँ नेटवर्क चला जाता है ऐसे और बाकी लोग उधर हैं हम लोग फल खरीद ले रहे हैं रास्ते में अब रात में कहीं रुकने का ऐसा धीरे धीरे प्लान नहीं आराम आराम से खाते पीते जाएंगे और ये नाशपाती लिया है पियर्स और केला टाइम हुआ है सिर्फ 10:40 और हम लोग मोहनिया पहुंच भी गए हैं इधर पार्टी लोग खड़ी खाने पीने के बाद मिलते हैं आपसे हर टाइम जब आप इधर से गुजरते हैं तब तो यही एक जगह है मतलब कि यहाँ पे कॉर्नर है जहाँ से इधर से अभी आए हैं हम लोग और हम लोग हमेशा यहाँ रुकते हैं अभी मम्मी लोग के साथ भी आए थे तो अभी जब माँ मुंडेश्वरी टेम्पल गए थे ना तब भी यहाँ पर रुके तो यही है खाने पीने का एक वहाँ पर भी है हंगर पॉइंट तो भाई रीसेंट अपडेट ये है कि यहाँ पे भगवा में पापा बता भी रहे थे ऋषभ के पापा बता भी रहे थे हम लोग सोचे कि मजाक कर ऋषभ को जाने नहीं दे रहा और अभी हम लोग पता चला गया ब्लॉग ने एक अलग मोड ले लिया है धारा 144 में भी हम लोग अभी यहाँ पे हैं और भभुआ में क्योंकि लगा हुआ है धारा 144 मुहर्रम से कुछ राइट हो गया था यहाँ पे बाकी अभी इन लोग को एक अंकल मिले हैं जिनसे रिक्वेस्ट करके रोटी बनवा रहे हैं और रोटी के साथ दही है कुछ ऐसा तो है नहीं टाइम काफ़ी हो चुका है 12:30 हो गया तो ऑब्वियसली इनको भी 144 में क्या ही ये भी बिजनेस कर रहे हैं तो इस हिसाब से ये भी बंद कर रहे थे मगर हम लोग ले कर रहे हैं तो यही है हैट्स अप टू द हॉस्पिटैलिटी तो भाई ये देसी खाना मिला है जो कि एक लाइफ सेवर है क्योंकि आगे तो कुछ मिलने वाला भी नहीं ना खाना ना नेटवर्क वाह कह रहे थे भैया बारिश और शादी शुरुआत में ही अच्छी लगती है उसके बाद बाकी अभी हम लोग यहाँ रेस्ट कर रहे हैं एक दो घंटे और यहाँ रेस्ट करेंगे उसके बाद निकलेंगे यहीं पर रुक गए हैं वो भैया जो होटल वाले थे होटल का अपना चले गए वो लोग खाना वाना भी खा लिया अब यहीं पर लेते हैं